Hello and you're watching Claptrap. We're back again starting a video with a message. Please do not waste food. Utna hi khana banaye jitne ki zarurat hai. Aur iske alawa jo log shaadi, vyah, parties, birthdays mein jaate hain, utna hi khana le jitni zarurat hai. Please save food. Lot of people actually need it. Aur unka khayal rakhiye, khana barbaad mat kariye. So video start karte hain. Video start mein ye hai part 2. Humne pichle part 1 mein aapko kuch sofas bataye the. Testimony se shuru karenge. Mera naam Vishal puri hai. Aap jante hain mera furniture ka kaam hai. और हमारा 300 बारी पिछले रोड के ऊपर है, कामेश्वर मेट्रो शोरूम पे है। एक हमारा शोरूम पिकनियर में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं और ये शॉप का नाम है सुपर फैक्ट्री। पिछले नाम है क्वालिटी रबड़, ये जूनियर क्वालिटी रबड़ की सर। इसका एड्रेस है 1/92 और मेरा फ़ोन नंबर है 9650989350। और अभी मेरे साथ भैया बैठे हैं, इन्होंने हमसे काफ़ी सारा सामान लिया है, इनका ऑर्डर था। तो अब इनसे आप जानिए कि क्या क्वालिटी थी, क्या टाइम उनका से। हाय, मेरा नाम प्रत्यूष है, प्रत्यूष रंजन। सो आई एम वर्किंग विद रेडियो मिर्ची एंड मैं मीडिया में काफ़ी टाइम से हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना फ्लैट लिया नोएडा में, और फ्लैट लेने के बाद अभी मेरा इंटीरियर का काम चल रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग टू गेट ऑल माई फर्नीचर्स डन, जिसमें मुझे सोफा चाहिए था, बेड चाहिए था तीनों रूम्स के लिए, मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए था, मुझे हाई विंग चेयर चाहिए था। मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं टू गेट अ हाई विंग चेयर, आई वांटेड अ हाई विंग चेयर, मुझे वो चाहिए था, कुछ पफीज चाहिए थी। सो आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गुड प्लेस जहाँ से मैं ये सब चीज़ें उठा सकूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स देखे जिसमें मुझे बहुत सारे डिस्काउंट के ऑफर्स मिल रहे थे, बट अगेन मुझे पता था कि उन ऐप्स पे मैं कभी भी क्वालिटी चेक नहीं कर पाऊंगा। मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी लकड़ी यूज हो रही है, किस क्वालिटी की लकड़ी यूज हो रही है, और कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है मेरे फर्नीचर में तो मैं उन लोगों से कैसे कॉन्टैक्ट करूंगा और क्या उसका सोल्यूशन निकलेगा। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड अ पर्सनल रिलेशन काइंड ऑफ थिंग जहां से मैं ये सब चीजें उठा सकूँ। सो आई वॉज अंडर अ रिग्रेस सर्वे फॉर ऑल दीज थिंग्स। मैंने अभी फिर ऑनलाइन पीछे विशाल जी की शॉप के बारे में जाना, यूट्यूब में देयर इज अ चैनल कॉल्ड क्लैपट्रैप। तो इट्स जस्ट कि अगर आपको किसी चीज की कहीं से रिकमेंडेशन आ रही है, दैट मीन्स कि एक सोर्स है, उसकी एक जानकारी है, और लोग किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको वो चीज सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्लैपट्रैप से मेरे को सजेशन मिला इनके वीडियोज के थ्रू, इनके शॉप के बारे में। तो मैं गुड़गांव रहता था, गुड़गांव से मेरे लिए कीर्तिनगर ट्रैवल कर पाना बहुत टफ था। तो मैं इनसे, विशाल जी से, इनके आरके आश्रम वाले शॉप पे पहली बार जाकर मिला। तो वहां से इनसे काफी इंटरेक्शन हुआ, काफी सारी चीजें हमने जानी वहां पे। इवन हमने इनका जो सामान बन रहा था वो देखा एंड कुछ नहीं, फिर उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने मेरे को सारे डिजाइन बताए, सिलेक्शन हमने बताया, और यहाँ पे फाइनली आज मैं अपना सामान उठाने आऊँ। मेरे साथ मेरे पापा है, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पटना, और हम लोग काफी सारा सामान उठाने हैं। यहाँ से मैंने अपना एक 6-सीटर डाइनिंग टेबल उठाया है, एक बेड उठाया है, एंड वन मोर थिंग, अभी जो हमने बेड ऑर्डर करा था और जो बेड मैंने अपनी चॉइस से जो कलर ऑर्डर करा था और जो विशाल जी ने बना दिया था मेरे एडवांस करने के बाद, अभी आज मेरे पापा को वो बेड उतना पसंद नहीं आया, कलर नहीं समझ आया। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हमने फाइनली डिसाइड करा कि हमें वो बेड नहीं चाहिए। एंड विशाल जी केम आउट टू बी सो कोऑपरेटिव, इन्होंने बोला कि वो बेड आप रेंट दो, मैं उसे आगे सेल ऑफ करूंगा, आप अपनी पसंद का दूसरा बेड ऑर्डर कर लो। सो अगेन दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी कोऑपरेटिव फ्रॉम विशाल जी। तो बस अभी हम अपनी डिलीवरी लेने आए हैं। बेड है, ये हाइविंग चेयर है, 6-सीटर डाइनिंग टेबल है, मैट्रेस है, 2 पफीज है, दैट्स इट। अभी खुद दिखाइए कि क्या का सामान है। अच्छा, तो अभी आप हमें दिखा सकते हैं। सो ये मेरा हाइविंग चेयर है जो कि पिछले कई सालों से मैं सोच रहा था मेरे पास हो, बट अगेन अब क्या कर रही थी इस वजह से नहीं हो पाया, तो मैं तो आ जाएगा। ये मेरे डाइनिंग की चेयर्स है, टेबल की चेयर्स है, अच्छा सोफा लेते हैं। ये हमारा सोफा है जो कि विशाल जी ने स्पेशली डिजाइन करा है मेरे पास से। अच्छा, तो इसमें विशाल जी ने एक स्पेशल चीज करी है मेरे लिए, मेरे चॉइस के बेसिस पे। ये जो हमने बीच डाले इन सोफे पे, आई एम लिटिल फॉन्ड ऑफ गोल्ड कलर, मैंने काफी सारे गोल्ड थीम यूज करा अपने घर में। सो ये जो बीच मैंने विशाल जी से डलवाया है, इन्होंने पहले सोफे में नहीं डाले थे, बट इन्होंने आज मैं जब आया तो मैंने देखा, इन्हें पता था कि मुझे ये चीज पसंद है और इन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से ये चीज मुझे डाल दी। सो ये वाला बेड है जो फाइनली मेरे को दोबारा पसंद आया और मैं लेकर जा रहा हूँ अभी।
एक बेड के नापसंद बनने के बाद, नापसंद आने के बाद ये बेड मैं लेकर जा रहा हूँ। ये बेड जो है पर इसके ऊपर एसएस लगा हुआ है और सारा स्प्रेड वेलवेट लगा हुआ है और बहुत सुंदर बेड है। भैया ने बहुत बेड पसंद कर रखा था पर उनको, उनके फादर को ये कलर पसंद नहीं आया, तो मैं कलर के कारण आपको परेशानी होना, मैं देख लूँ क्या करना है, तो अच्छा बेड ले लीजिए। पहला बेड लिया, अगेन जस्ट टू नोटिस कि सिर्फ कलर पसंद नहीं आया, क्वालिटी वाइज हमें कोई डाउट नहीं है, हमें पता है हर चीज कैसी यूज होती है, सिर्फ कलर वो भी जो मैंने चूज किया था मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसंद था बट पापा को पसंद नहीं था, तो अब हमें तो बड़ों की बात माननी है, तो फिर हमने ये बेड चेंज करा। सो टू कंक्लूड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बेड दिखाएंगे जो पसंद किया था, बेड दिखाना चाहेंगे। ये एक पफी है जो मैं लेकर जा रहा हूँ अभी, बहुत सुंदर पफी है, पफी बहुत सुंदर तैयार हुई है, इसको जब ऊपर रखे देखो टेबल के ऊपर तो बहुत सुंदर पफी तैयार हुई है, पहली बार शरीर पफी तैयार कराई है तो बहुत सुंदर लग रही है। इसमें चादरों से कुल्टिंग है, चादरों से कुल्टिंग है इसके अंदर ऊपर नीचे चादर अच्छे तरह से कुल्टिंग है। आप वो भैया बैठे थे भैया ने दिखाया था, हाँ वो बैठे थोड़ा अच्छा। तो ये वो बेड है जो मुझे पहले पसंद आया था बट जो कलर मेरे पापा को मेरी मम्मी को उतना समझ में नहीं आया, सिर्फ कलर है गेन जस्ट उसे। तो अभी विशाल जी वर्सो जनरस एनफ टू चेंज इट और वापस से मुझे अपनी पसंद की चीज उन्होंने दी है। लोड करा ली बहुत बहुत सुंदर बैठ गया ना, कलर बहुत सुंदर है भैया, बहुत अच्छी चॉइस थी, अपनी अपनी चॉइस होती है, कलर बात बोले बतानी पड़ेगी एग्जैक्टली, और बाकी कलर की अपनी अपनी चॉइस होती है। थैंक यू भैया, बस इसके कुछ सर शुक्र। फैक्ट्री के अंदर है हम लोग, पर जा रहे हैं हम लोग अभी है ना, तो एक मिनट रुकिए। ये एक सोफा मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसके बारे में मुझे जरा बताइए कैसा है ये। बहुत सुंदर सोफा है, जैसे कि पहले एक सोफा आपने पिछले लास्ट टाइम जो कवर किया था जी जी, वो येलो सोफा था, इसी सोफे के अंदर उन्होंने कस्टमाइज करवाया है। अच्छा, हमने दीवान के साथ ना, दीवान की जगह ना बैक वाला चाहिए, ओके, तो इन्होंने बैक वाला कराया। अच्छा, ये मूवेबल होता है ना पीछे का हिस्सा, ये सारा हेडरेस्ट रिक्लाइन है, बिल्कुल एडजस्टेबल है हेडरेस्ट के अंदर। अच्छा, एडजस्टेबल है हेडरेस्ट, जहां मर्जी रोक सकते हैं, जहां मर्जी रोक सकते हैं, ओके। और पिछली बार जब आपने ये बनवाया था तो इसके अंदर ये हेडरेस्ट वाला सिस्टम नहीं था। अच्छा, मतलब थ्री सीटर ऐसा था, राइट राइट, और इस बार जो है पूरा उन्होंने बैक वाला बनवाया। ओके, दिस इज ग्रे कलर सोफा है एक्चुअली, है और ये आई गेस रेगजीन वो है इसके अंदर, स्वेट लेदर, स्वेट लेदर, स्वेट लेदर है भी, ओके, स्वेट लेदर है भी। ये कितना सीटर है ये सर? 5 सीटर सोफा, 5 सीटर है, राइट राइट। और ये अभी जो हम देख रहे हैं आरएचए एल शेप में है, आरएचए से राइट हैंड साइड ये फ्री है, ये इसको अच्छा जी, वैसे आम में बैग नहीं होता, पहले तो इसमें बैग पीछे बैग लगी हुई है, राइट, और ऑर्डर पे बनवाएगा कस्टमर का सर ये। ओके ठीक है, ये कितने का है? 48,000 रुपीज़ का। इसके अंदर जो फोम यूज किया वो कितना है सर? 49 जी सर, आपको मैं द्वारा इसको भी आपको बोलूंगा, आपको चक्कर नहीं, नहीं कोई बात नहीं, देखिए इसको भी देखिए, जैसे मर्जी हमारे कई सोफे के ऊपर आप खड़े हो जाए जम कर लें, तो हर सोफे के अंदर ये क्वालिटी यूज की जाती है, वेरी नाइस, एक जैसी क्वालिटी यूज होगी सर सब जगह, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत है ये भी, इसमें भी एसएस के लेग्स लगे हुए हैं नीचे, राइट राइट, एस एस के लगे, मैंने सर मंगाया भी आपके लिए पीस दिखाने के लिए कि हाँ जी किस तरीके से हम क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, इसके अंदर ये इस तरीके से मेरी मरिंडी की लकड़ी का फ्रेम है सर, ठीक है सर, उसके ऊपर हमने एक इंच हिटलोन लगाई है, फिर 40 इंच की फोम लगाई है, और नीचे इस तरीके से डबल डबल बेल्ट स्प्रिंग लगा रखी है। अच्छा, तो वो लोग जो नहीं समझते उनको आम भाषा में बता दें कि एक वुड का फ्रेम है, उसके बाद में फिर कुछ स्प्रिंग है, फिर एक हिटलोन शीट है, 80 इंच की है, उसमें 40 इंच की फोम लगाई गई है। ओके, आप उसके ऊपर आप खड़े हो जाए, कूद लें, जैसे मर्जी कर लें, इंडिविजुअल सीट बनाते हैं, कहीं कोई शिकायत ना आए सर, ठीक है ना, इस तरीके से बनाई गई है, तो क्वालिटी बहुत, आप नहीं मैं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली आपका भी के बस आपसे पता चल पा रहा है मुझे कि क्या है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये टेस्ट हो जाता है कि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का फोम है और ये वुड उसके अंदर लगी हुई है, राइट सर, राइट, वेरी नाइस। और ये स्टैंडर्ड है, जिन लोगों का अगर एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो आके चेक भी कर सकते हैं, बनते दे सकते हैं, ओके, सो दिस इज द क्वालिटी टेस्ट, लेकिन फिर भी एक बार ऊपर फैक्ट्री चलेंगे अभी और बाकी कुछ डिटेल में वहाँ देख लेंगे, चले ऊपर, चलिए। Thank you.
दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस सोफा, ये भी बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल कलर। ये हमने शायद पहले कवर किया था, ये उसका दूसरा पीस आया है, बहुत कंफर्टेबल है ये तो, काफी गया था, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। रेट बहुत रीजनेबल है इसके, टू हीटर प्लस थ्री हीटर दीवाना है इसके अंदर। अच्छा, अभी चॉइस को आ जाएगा, 30,000 पूरा सेट है, 30,000 रुपीस का, राइट सर, ओके, बहुत कंफर्टेबल, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये वेलवेट है, ये वेलवेट की निशानी है, ये वेलवेट ऐसे होता है, ओके सुपर। ये एक्चुअली वेलवेट जो होता है वो एक तरह से मोर लाइक छोटा फर होता है, तो इस तरह की शेड देता है वो, है ना। ऑलराइट, वेरी नाइस, 30,000 रुपीज़ का ये जी सर, ओके चलिए ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर से आवाज़ आ। ये देखिए फाइनल सेटअप ये ऐसा दिखता है। विशाल जी, ये सेटअप जो आपने अभी किया है ना, यही पावर ऑफ जो पावर ऑफ यू नो विजुलाइजेशन, यही हमको डेवलप करना है अपने कस्टमर के बीच में। कभी भी स्टोर को देख के जज नहीं करना चाहिए किसी प्रोडक्ट को, कि स्टोर के पीछे क्या है, उधर एक कूलर रखा हुआ है, उधर पीछे वायर हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐसे ही होगा। तो आप लाइट भी जला दिया, वेरी गुड, तो आप विजुलाइज करें एंड लुक एट द डिफरेंस। पूरा सेटअप को भी विजुलाइज करना होता है आपको। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा और आप देखिए कितना फ़र्क है दोनों में, ज़मीन आसमान का एक्चुअली फ़र्क है अभी, राइट। चलो आई विल कम डाउन नाउ, नीचे आके आपसे बात करते हैं कि ये जो है पूरा, ये कितना सीटर है, ये 7 सीटर है, 3-2-2, ओके 3+2-2, 7 सीटर, और इसके साथ में है एक बहुत खूबसूरत सी सेंटर टेबल जो कि आई गेस 3x3 की होगी, राइट। तो इसके जरा डिटेल बताइए मुझे अभी, क्योंकि बहुत रिच है, जो लोग के घर में थोड़ा सा ब्लिंग ऐड करना है, जिनको बहुत, जिन्होंने ऐसा घर का डिज़ाइन किया हुआ है कि ज़्यादा सामान नहीं है उनके घर में और वो सोफ़ा को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है इसका। अब फैब्रिक बता दीजिए मुझे विशाल जी। सर, ये वेलवेट लगी हुई है, उसमें हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। अच्छा, बहुत सारे कलर हैं जो आपको चॉइस लगा सकते हैं, ओके। और आप देखेंगे ऊपर सारा कटवर्क काम हो रखा है इसके ऊपर। अच्छा, ये मशीन से होता है, हाथ से होता है? सर, मशीन से होता है, मशीन से होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ग्लिटर भी है? बिल्कुल, ग्लिटर लगाए गए हैं, ओके ओके, ग्लिटर लगाए गए हैं, ऐसे छोटा कुछ आपने कुछ दे रखा है इसके अंदर, और उसके अंदर सारे ग्लिटर पक्का रखा है। वाह, वेरी नाइस। और ये वेलवेट में है? वेलवेट के अंदर। सेम सोफा आपको लगता है किसी और फैब्रिक में भी बन सकता है? बिल्कुल सर, अभी कई सारे कलर इसके अंदर वेलवेट और स्वेट में बन सकता है, स्वेट में भी बन सकता है, ओके। और ये जो है सर, ये बता रहे थे आप कि ये जो हैंडरेस्ट है ये स्पेशली डिजाइंड है ताकि आप आराम से कंफर्टेबल बैठ सके। ये टीक वुड के अंदर बने हुए, सागवान के अंदर बने, लकड़ी लगाई है इसके अंदर। अच्छा, और इसके ऊपर हमने लेकर ग्लास लगाया था सारा, ओके, ये ग्लास है, ऊपर लेकर ग्लास लगाया है, ओके, डिजाइनिंग ग्लास लगा रखा है इसके अंदर, राइट राइट। तो बहुत अच्छा डिमांड था सोफा हमारा, ये भी सर ऑर्डर का सोफा हमारा अभी। अच्छा, ये भी ऑर्डर से है, ओके चलिए, हमारा अलवर जाना सर, ओके। जिसने भी खरीदा है उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, वी अप्रिशिएट दैट, बहुत ही बढ़िया सोफा है। आपने सोफा दिखाया था, ये सोफा लास्ट टाइम भी था हमारे दूसरे शोरूम पे था, रामाचना वाले पे। अच्छा, उस टाइम इसके अंदर कलर था सिल्वर पॉलिश पर रखी है। अच्छा, इस बार ये हमने गोल्ड पॉलिश करी है। अच्छा, इस बार सिल्वर सिल्वर पीयू था, गोल्ड पीयू बनाया गया इसके अंदर। तो ये ऑर्डर वीडियोस के थ्रू आया है क्या? सारा ये वीडियो के थ्रू ही है, सारा काम हमारा वीडियो के थ्रू ही है। चलिए, वी आर हैप्पी, खुशी होती है हमको जान के। अच्छा, अब इसके प्राइस की बात बता दीजिए हमको कि प्राइस कितना है इसका? सर, पूरा सर 80,000 का है, 80,000 का है, 3-2-2 and 1 centable, ओके ठीक है। और बाकी की फॉर्मेलिटी कर लेते हैं भाई हम लोग, कि कैसे आप, कैसे पेमेंट वगैरह कैसे लेते हैं इनके? सर, ये भी जैसे कि कस्टमर ने ऑनलाइन पहले एडवांस डाला है, उसके बाद हमें तैयार किया है, हमने पिक भेज दी है, उन्होंने इसकी बैलेंस पेमेंट हमारे अकाउंट में डाल दी है। अच्छा, और उसका सर उसको भेजने, पैकिंग करा के भेजेंगे सर उसको। अच्छा, यानी कि डिलीवरी से पहले आप 100% पेमेंट देते हैं? डिलीवरी ओनली आफ्टर फुल एंड फाइनल पेमेंट ही सर, और हमेशा ही सर। कोई भी फर्नीचर वाला, मैंने कोई भी फर्नीचर वाला जो काम करता है उसका सिस्टम यही है कि आप पेमेंट देने के बाद ही माल जाता है सर। तो बात, जाहिर सी बात है, देखिए, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज़ को समझें कि क्यों रूल्स हैं बेसिकली, किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फर्नीचर को COD हो। बिल्कुल, ऑलराइट, ओके। एक बार फिर से बता दें एड्रेस, आपने हमें बिगनिंग में बता दिया था कि जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो एक बार फिर से हमें एड्रेस बताइए। लकर मंडी है, और इसका एड्रेस है 1/92, ओके, कीर्ति नगर। ऑलराइट, दिल्ली का एड्रेस है। लोग अगर वही पूछते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, तो दिल्ली बताना, दिल्ली से बोल रहे हैं हम जी। और ये मेन रोड शोरूम नवाब का शोरूम है, वहीं से अंदर घुसना है, नवाब से शोरूम अंदर घुसेंगे मेन रोड से, और साथ में श्रेया फैब्रिक है बहुत बड़ा। अच्छा, साथ में ही है, ओके। और स्टोर कितने दिन खुलता है? 7 डे वीक, कोई छुट्टी नहीं है, ऑल 7 डेज। टाइमिंग क्या है इसकी? 12-8 सर, ओके। चलिए, अच्छी बात है, आप 7 डेज काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं आप।
इसीलिए जो है पिछली बार आपके व्यूज भी मेरे ख्याल से 2,70,000 के आसपास क्रॉस किए। सर भगवान की कृपा से लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है, मतलब कि जो अप्रिशिएशन वर्ड्स है ना सर वो अर्निंग है, और लोगों का विश्वास जो हमारे लिए है, लोग इतना इतना थैंक्स करते हैं और अच्छे वर्ड्स बोलते हैं हमारे लिए, वो है वही अर्निंग है सर, वो हमने जो है ना वो हमारी कमाई है, असली कमाई हुई है। इतना खुश हुआ कि सर मैं इतनी खुशी मिली, लोगों ने इतने अप्रिशिएट किया, लोगों ने इतना थैंक्स किए हैं, वो हमारी अर्निंग है, उससे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमने प्रीवियस वाले वीडियो का थंबनेल चेंज किया कि मोर देन 160 पीसेस सोल्ड आउट। ठीक बात है, तो अभी टेस्टिमोनी का टाइम है। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, और आपने जो वीडियो शूट किया है कस्टमर का वो वीडियोज हम इसके बाद में लगा देंगे ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली ये सब जेन्युइन है। बिल्कुल सर, ठीक है, ओके, थैंक यू विशाल जी, थैंक्स अ लॉट टॉकिंग टू अस। अगले वीडियो की तैयारी करते हैं जिसमें हम कुछ और प्रोडक्ट दिखाएंगे आपको। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लैप ट्रैप। जैसे आप इतने दिन देख रहे हैं हमारा चैनल क्लैप ट्रैप, उसको लाइक कर रहे हैं और अच्छे से कमेंट कर रहे हैं और हमसे सामने शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, और हम चाहते हैं आप हमेशा इसी तरीके से लाइक करते रहें, अच्छे से कमेंट करते रहें, और हम आपसे वादा करते हैं जो हमें सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको हम कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से अपनी तरफ से गिफ्ट भेजेंगे, पिल्लो गिफ्ट भेजेंगे उसको, पूरा एड्रेस पे उसके घर पे पिल्लो भिजवाएंगे। थैंक यू सो मच। हाय सर, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल पुरी एंड आई एम द ओनर ऑफ क्वालिटी फर्नीचर, क्वालिटी रबर एंड सोफा फैक्ट्री। आपने हमसे काफ़ी सारा सामान पहले लिया है, और क्योंकि क्लैप ट्रैप की वीडियो से लिया है, उसको देखा है, उसके कारण हमसे अटैच हुए हैं और काफ़ी सारा सामान लिया है, तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे, पहले थैंक यू कहेंगे कि आपने हमसे शॉपिंग करी, हमें हमारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हमने सोचा जो हम सबसे अच्छा लोग कमेंट करेंगे, हमारे लिए अच्छा लिखेंगे, क्लैप ट्रैप को लाइक करेंगे और देखेंगे, उनको अच्छे से गिफ्ट भी देना चाहेंगे अपनी तरफ से, हम उनको लिए 2 पिल्लो उनको घर में गिफ्ट भेजेंगे सर, डेफिनेटली पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू। वी होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इन द कमिंग वीडियो वी विल टेल यू अबाउट सम बेड्स, क्योंकि जिस तरह से सोफ़ाज होते हैं वो उसी तरह से एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं घर के। आपको बताएंगे कुछ ऐसे बेड्स जो कि ट्रेंडी हैं, बहुत कंफर्टेबल सिटिंग में हैं, लाइफ लॉन्ग हैं, विद बॉक्सेस हैं, और ये जो बेड्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ रॉयल बेड्स में से हैं। इनके व्यूज़ भी पिछली बार बहुत अच्छे गए थे, काफ़ी अच्छी सेल भी हुई थी, कुछ नए डिज़ाइंस आ गए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं विशाल जी ने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट। कस्टमाइज़ कैसे कराएं, परचेज़ कैसे करें, और साथ में आपको बताएंगे कुछ उनकी बॉक्स के बारे में टेस्टिंग, क्योंकि बेड्स के अंदर लगने वाले जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हमने कुछ बेडशीट्स के वीडियो भी दिखाए थे पहले, उनको मैच करना भी इनसे बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स देंगे बेड के बारे में, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेड आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो कि पिंक कलर का है, दिस इज द वन। ये कितने में मिल सकता है आपको? बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा आपको, ये बहुत सूटेबल है, वेरी कंफर्टेबल फॉर अ गर्ल्स रूम, और अगर आप किसी के आपके घर में शादी है या यू वांट टू गिफ्ट इट टू समबडी एल्स, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। इसके अलावा एक ऐसा बेड और है इनके पास दूसरे कलर में, एक एक डिटेल आपको बताएंगे इसके बारे में, कुछ ब्लू बेड बताएंगे, कुछ हार्डवुड सॉलिड वुड में बेड बताएंगे, और कुछ बोर्ड्स में बताएंगे, और पूरा सेटअप करके दिखाएंगे। फैक्ट्री में मोर देन 50-60 तरह के बेड्स हैं, लेकिन हम जो बेड्स आपको दिखाएंगे वो सेलेक्टेड बेड्स होंगे जो किसी भी इंटीरियर को मैच कर जाएंगे। अब ये विशाल जी की खासियत है बेसिकली, ही इज़ वेरी गुड एट दिस, कि वो जिस भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं किसी भी हालत में वो उनको डिससेटिस्फाइड नहीं करते। इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम यू जस्ट टेल देम, बिकॉज वो हमेशा प्रोडक्ट रिप्लेस करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।